वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम नेम रिएक्शंस का नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन करेंगे, विच इज़ कैनिज़ारो रिएक्शन। तो कैनिज़ारो रिएक्शन में आपको आज ये पढ़ना है कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो ये रिएक्शन शो करते हैं, इसमें एल्डिहाइड और कीटोन आपको किस तरह का लेना है कि वो कैनिज़ारो रिएक्शन शो कर सके। उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आपको अल्फा हाइड्रोजन का उसमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको ये रिएक्टेंट्स पता हैं कि किस तरह के रिएक्टेंट्स लेने हैं और फिर रिएक्शन कैसे होगा, तो हम कैनिज़ारो रिएक्शन जो है इसको समझ सकते हैं। तो आइए आज समझते हैं इस वीडियो में कैनिज़ारो रिएक्शन। तो सबसे पहले तो कैनिज़ारो रिएक्शन में एल्डिहाइड्स जो हैं, जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है, केवल वो शो करेंगे। जैसे कि हम अगर एग्जांपल लें फॉर्मेल्डिहाइड का और बेंजल्डिहाइड का, तो इस तरह से जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पर वो कैनिज़ारो रिएक्शन शो करेगा। इसमें सेल्फ कैनिज़ारो रिएक्शन और क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन, दो तरह की कैनिज़ारो रिएक्शन जो है पॉसिबल हैं। सेल्फ कैनिज़ारो रिएक्शन में आपको एक ही तरह का मॉलिक्यूल 2 मोल्स लेना है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि रिडक्शन हो जाएगा 1 मोल का, तो रिडक्शन होगा अल्कोहल में और ऑक्सीडेशन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट्स बनते क्या हैं, एल्डिहाइड से एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से बना है। सबसे पहला एग्जांपल जो मैं बता रही हूँ कि अल्फा हाइड्रोजन एटम इसके अंदर नहीं होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए कैनिज़ारो रिएक्शन के लिए। तो आप यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड को देखो, फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर जो है वो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, ये कार्बन एटम फंक्शनल ग्रुप कैरी कर रहा है, इसके साथ में जो कोई और कार्बन अटैच नहीं है जो अल्फा हाइड्रोजन को कैरी करेगा, अल्फा कार्बन नहीं है इसमें, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड ऐसा रिएक्टेंट हो गया जो कैनिज़ारो रिएक्शन शो करेगा। अब इसमें रिडक्शन हो रहा है अल्कोहल में, एक कार्बन कंटेनिंग था एल्डिहाइड, तो एक कार्बन कंटेनिंग ही हमारे पास अल्कोहल बनेगा, और जो हमारे पास सेकेंड मोल है उसमें एक कार्बन कंटेनिंग है, तो उसी से ही कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलेट जो हमारे पास एस्टर है यहाँ पर वो बनेगा। यानी कि आपको यहाँ पर सोडियम फॉर्मेट जो है वो मिल जाएगा। दूसरा यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं बेंजल्डिहाइड का, तो बेंजल्डिहाइड में NaOH के साथ जब इसको ट्रीट करेंगे तो 1 मोल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल में, और इसको बोलते हैं हम बेंजाइल अल्कोहल, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल, इसका नाम है बेंजाइल अल्कोहल में ये रिड्यूस हो गया है, और ऑक्सीडाइज किस एस्टर में हुआ है, सोडियम बेंजोएट, ठीक है, सोडियम बेंजोएट में। तो अब ये जो है हम एक और रिएक्टेंट यहाँ पर ले रहे हैं, इस रिएक्टेंट का क्या नाम है, 2,2-dimethylpropanol, इसको लिखें 2,2-dimethylpropanol, ठीक है। तो 2,2-dimethylpropanol के अंदर जब हमने इसको 50% NaOH के साथ ट्रीट किया, तो हमारे पास में एल्डिहाइड जो ग्रुप था वो किस में कन्वर्ट हो गया है, OH ग्रुप में कन्वर्ट हो गया है, और साथ के साथ एक एस्टर ग्रुप में भी कन्वर्ट हो गया है, तो CH3 और यहाँ पर CH2OH। अब इसका नाम क्या है, 2,2-dimethylpropanol, तो लिखें इसका नाम हो गया है 2,2-dimethylpropanol। और साथ के साथ हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, और एक एस्टर बनेगा, सेम इतने ही कार्बन एटम्स को आपको चेंज नहीं करना है, याद रखें कार्बन एटम्स जितने हम ले रहे हैं, क्योंकि हम एडिशनल कार्बन एटम यहाँ पर कोई इस तरह का ऐड नहीं कर रहे हैं रिएक्टेंट में जो कि इसमें ऐड हो रहा है, ठीक है। ये कैनिज़ारो रिएक्शन में याद रखें, जितने कार्बन एटम आपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में लिया है उतना ही बनेगा। तो जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो एस्टर शो करना है आपको, एस्टर बनाएं, एक एस्टर 2,2-dimethyl, और ये जो है CONA। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम 2,2-dimethylpropanoate, ठीक है, सोडियम 2,2-dimethylpropanoate।
तो ये जो है हमारे पास में दो प्रोडक्ट्स यहाँ पर आ गए हैं, इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन के अंदर दो एल्डिहाइड ग्रुप्स जो हैं वो सेम मॉलिक्यूल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। अगर हम एग्जांपल लें ग्लाइऑक्सिल का, तो ग्लाइऑक्सिल में देखें यहाँ पर दो एल्डिहाइड ग्रुप सेम मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। जब इसकी हम रिएक्शन करेंगे कंसंट्रेटेड NaOH के साथ में, तो एक फंक्शनल ग्रुप तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा OH में और दूसरा फंक्शनल ग्रुप CHO का वो कन्वर्ट हो जाएगा CONA में। ठीक है, फिर हम इसकी फर्दर डाइल्यूट HCl से जब रिएक्शन करेंगे तो जो CONA ग्रुप है हमारा, ये CONA ग्रुप जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा COH में। ये जो हमने यहाँ पर रिएक्टेंट लिया था इसका नाम था ग्लाइऑक्सिल, तो ग्लाइऑक्सिल से जो है हमारे पास में यहाँ पर प्रोडक्ट जो बन के आ रहा है दिस इज ग्लाइकोलिक एसिड। तो ग्लाइकोलिक एसिड जो है हमें फाइनली यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट जो टाइप हमें करनी है इट इज़ कॉल्ड क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। इसमें आपको टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स लेने हैं जो कि हमें फोर पॉसिबल प्रोडक्ट्स जो है वो दे सकते हैं, और हमेशा फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो सोडियम फॉर्मेट में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जबकि दूसरा जो एल्डिहाइड है वो हमेशा रिड्यूस होगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल जो है हम यहाँ पर इसका लिख ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर पैरामिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड लिया है, स्ट्रक्चर बनाएं पैरामिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड का। पैरामिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड और इसका रिएक्शन करा हमने HCHO के साथ NaOH के साथ। ठीक है, तो अब जो है हमारे पास में क्या क्या बनेगा, सबसे पहले जो है यहाँ पर लिखें ये जो हमारे पास में CHO ग्रुप था वो ही केवल यहाँ पर कन्वर्ट होगा किस में, CH2OH में, ये रिड्यूस हो गया यहाँ पर। ठीक है, और बाकी का जो ग्रुप है वो ऐसे ही बना रहेगा यहाँ पर जो ये मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो पैरामिथॉक्सी, इसका नाम क्या है, पैरामिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड, पैरामिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड वो अब किस में कन्वर्ट हो गया है, पैरामिथॉक्सी बेंजाइल अल्कोहल में, पैरामिथॉक्सी बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, साथ के साथ आपको इसमें क्या मिलेगा, HCONA, तो HCONA जो है वो हमारे पास सोडियम फॉर्मेट बन गया है। तो ये जो है हमारे पास में क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन जो आई है जिसमें CHO ग्रुप, हमने यहाँ पर क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन के अंदर डिफरेंट एल्डिहाइड लेने हैं, एक तो फॉर्मेल्डिहाइड लिया और दूसरा पैरामिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड लिया। जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे NaOH के साथ में विच इज़ 50% NaOH, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HCOH में, और सॉरी HCONA में, और दूसरा पैरामिथॉक्सी बेंजाइल अल्कोहल में। तो ये जो है हमारे पास में रिएक्शन है। और दूसरा आप याद रखें कि यहाँ पर क्या हो सकता है, क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन के अंदर अगर हम बेंजल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड में रिएक्शन करते हैं तो हमारे को बेंजाइल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट भी मिलता है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास में कैनिज़ारो रिएक्शन थी, और बहुत आसान है, इसमें सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इसीलिए उसको बोलते हैं क्योंकि एक ही रिएक्टेंट जो है अगर हम उसके दो मोल्स ले रहे हैं तो एक अल्कोहल में और एक आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है, पेरिस सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो बहुत ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ज़रूर इसको आप एक बार अच्छे से बहुत सारे एग्जाम्पल से प्रैक्टिस कर लें और आप ज़रूर इसको एग्ज़ाम में कर पाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट रिएक्शन के साथ में। टिल देन गुड बाय।